हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, ये कुछ अलग हटके है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मेरा डीलिंग प्रोसेस क्या होता है। मतलब मैं अगर कोई चीज़ सेल करता हूँ तो मेरे क्या स्टेप्स होते हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, और वो स्टेप्स आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको पता चल जाए कि मेरी डीलिंग कैसी है। मतलब मैं क्या क्या स्टेप फॉलो करता हूँ, और वो स्टेप जो मैं फॉलो करता हूँ वो आपके लिए भी, यानी कि आपसे मतलब कि ख़रीदने वाले के लिए भी और सेल करने वाले के लिए, दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो ज़्यादा अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि एक मैंने वीडियो बनाई थी, एक ये वॉकमैन था मेरे पास पेनासोनिक का, जो कि मुझे सेल करना था, तो इसकी वीडियो मैंने बनाई। और एक हमारे भाई हैं आंध्र प्रदेश के, उनका मैसेज आया मेरे पास, वो बोले अवेलेबल है। मैंने कहा हाँ अवेलेबल है। उन्होंने मतलब ये वॉकमैन की कीमत 300 प्लस 150 डिलीवरी, मतलब 150 डिलीवरी उन्होंने अपनी तरफ से बोली, बोले कि 150 डिलीवरी लगेगा और आप इंडिया पोस्ट से इसको सेंड कीजिए। फिर मैंने उनसे उनका एड्रेस मांगा, मैंने कहा आप अपना एड्रेस दीजिए, क्योंकि स्पीड पोस्ट जो डिपेंड करता है वो आपके वेट पर, पार्सल के वेट पर मतलब, और पार्सल का वेट और डिस्टेंस, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है स्पीड पोस्ट का चार्ज। तो आप अपना एड्रेस दीजिए। और मैंने ये साथ साथ इनको ये भी बता दिया कि इस वॉकमैन में जब हम इसको प्ले करते हैं तो एक हमिंग नॉइज़ आती है, और मैंने बताया कि अब मैं आपको एक डेमो वीडियो भी दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। बोले ठीक है, ओके। फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने दिल्ली से, मुंबई से, बहुत जगह से वॉकमैन इन्होंने मंगाए हैं, काफ़ी वॉकमैन मंगाए हैं, और 150 रुपया ही चार्ज लगता है। तो मुझे लगा कि दिल्ली शायद पास में है इसलिए कुछ कम लगता होगा, तो मैंने इसलिए बताया इन्हें कि मैं उत्तराखंड से हूँ। तो इन्होंने कहा कि किसी भी प्लेस से हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका 150 से ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर उन्होंने एड्रेस दिया और उस एड्रेस का पिन कोड डालकर और वेट पार्सल का, क्योंकि मैंने वेट का पता लगा लिया था, मेरे पास वेइंग मशीन है, तो मैं पार्सल भेजने से पहले ही पता कर लेता हूँ कि कितना कितना वेट हो रहा है उसका और कितना चार्ज लगेगा। रजिस्टर्ड पार्सल का तो डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं होता, उसका तो सिर्फ वेट से मतलब होता है, लेकिन स्पीड पोस्ट में वेट और डिस्टेंस दोनों से मतलब होता है। तो जब मैंने इनका पिन कोड डाल करके सब कुछ चेक किया तो इनकी बात बिल्कुल सही थी, 150 से कम ही लग रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, डन। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप अपना फ़ोन पे नंबर भेज दीजिए। मैं अगर चाहता तो इनको फ़ोन पे नंबर भेज देता, ये पेमेंट कर देते और मैं वॉकमैन इनको सेंड कर भी देता, ठीक है। लेकिन उसमें ना एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी बाद में। वो प्रॉब्लम क्या थी, जैसे कि मैंने इनको बता ही दिया कि भाई एक हमिंग नॉइज़ आ रही है। अब हो सकता है अगर मैं इनको कंडीशन वीडियो नहीं भेजता तो जो हमिंग नॉइज़ मेरे लिए काफ़ी कम है वो हो सकता है इनके लिए ज़्यादा होती। भाई कह नहीं सकते ना, क्योंकि एक देखो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजिकल नेचर होता है कि जो दुकानदार होता है तो उसमें उसके सामान में अगर उसको कमी भी लगती है ना, तो भी वो उस कमी को छोटा समझकर उसको बेचने के मूड में रहता है कि यार मुझे तो बेचना ही है, इसको बेच ही लूँ। और जो कस्टमर होता है उसको छोटी से छोटी कमी भी बहुत बड़ी लगती है, और वो लगनी ही चाहिए भाई, जब वो पैसे आपको पूरे दे रहा है तो उसको चीज़ भी परफेक्ट चाहिए ना। अब वो केस जो होता है दुकानदार और ख़रीदार का, जो ऑफलाइन ख़रीद लेते हैं आमने सामने, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चीज़ आपके सामने है, आप चेक कीजिए, अच्छी लगे तो ठीक, नहीं अच्छी लगे तो आप मत लीजिए। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है ना, सिर्फ एक वीडियो ही एक
मात्र ऐसा सहारा है जिसके जरिए आप अपनी डील को ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, यानी कि आपकी डील सही रह सकती है। अब इन्होंने मुझसे फ़ोन पे नंबर मांगा, मैं डायरेक्ट दे सकता था लेकिन मैंने नहीं दिया। मैंने इनको कहा कि मैं आपको एक डेमो वीडियो दूंगा ताकि आप इसकी एक्चुअल कंडीशन देख पाएँ। बोले ठीक है, भेजिए। और फिर मैंने ये भी कहा कि जब आप एक्चुअल कंडीशन देख लें और अगर आपको वो सही लगती है तभी आप पे करें, नहीं सही लगती है तो आप पे ना करें। बोले ठीक है। फिर मैंने इनको वीडियो भेजी, 3 घंटे के अंदर मैंने वीडियो भेज दी। ये जो सब चैट हुई हैं ये 22 जनवरी को हुई हैं, और 22 जनवरी में ही एक ही दिन के अंदर डील स्टार्ट हुई। मैंने इनको कंडीशन वीडियो भी भेज दी, सब कुछ एक ही दिन में हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक वीडियो है 1 मिनट 6 सेकंड की। मैंने इनको वीडियो बना के भेजी, इन्होंने कहा ओके, तो सेंड ईयरफोन टू विद दिस सर, यानी कि मैंने वीडियो में कहा था कि इस वॉकमैन के साथ में 2 ईयरफोन मैं आपको फ्री दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है। अब इन्होंने फिर से फ़ोन पे नंबर मांगा और मैंने इनको फ़ोन पे नंबर दे दिया। इन्होंने 450 पे भी कर दिया, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। पे करने के बाद मैंने पार्सल पैक किया। अब देखो यहाँ पे मेरा पहला स्टेप आता है, पहला स्टेप क्या दूसरा स्टेप आता है। पहला स्टेप तो यही हो गया कि बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन सामने वाले को बताना। दूसरा स्टेप, जो उसने एड्रेस दिया है वो एक पेज पर लिख करके, पेज पर मतलब पार्सल वाले पेज पर लिख करके, और एड्रेस इनसे चेक करवाना। मैं मतलब हर किसी से चेक करवाता ही हूँ, तो मैंने इनसे एड्रेस चेक करवाया। बोले ठीक है, सेम एड्रेस। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, तो जो चीज़ हम भेज रहे हैं उसकी एक फ़ोटो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एक वॉकमैन रखा है, एक ये ईयरफोन रखा है, एक दूसरा ईयरफोन और रखा है। तो ये 300 में एक वॉकमैन प्लस 2 ईयरफोन ये थे। तो इनकी मैंने फ़ोटो खींची और इनको बता दिया कि ये 3 आइटम्स मैं आपको सेंड करूँगा ताकि किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन किसी को भी ना रहे। बोले ओके। फिर मैंने इनको पार्सल पैक करने के बाद इनसे एड्रेस और मोबाइल नंबर चेक करवाया कि देख लीजिए आप अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर। बोले ठीक है, डन। उसके बाद फिर मैंने वो पार्सल भेज दिया। अब पार्सल भेजने के बाद, जैसे कि स्पीड पोस्ट है और आंध्र प्रदेश जाना है, तो 4 या 5 दिन या 6-7 दिन शायद लग सकते हैं। 6-7 दिन के बाद, इसमें तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 डे, लेकिन ये आज की डेट नहीं है, ये बात है अब से 4 या 5 दिन पहले की। फिर जब मुझे लगा कि हाँ आप पार्सल उनके पास पहुंच गया होगा, तो मैंने इनसे पूछ लिया पार्सल मिल गया आपको? तो इन्होंने कहा रिसीव्ड, और बहुत अच्छी कंडीशन में रिसीव हुआ है, थैंक यू। मैंने कहा वेलकम। तो ये होता है मेरा पूरा प्रोसेस। अब इस डील को यहाँ पे मैं क्लोज मानता हूँ कि भाई हमने चीज़ भेज दी सामने वाले को, मिल गई, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो फिर बातचीत की जाएगी, क्या सॉल्यूशन हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन दिक्कत जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास चीज़ अच्छी पहुँची है और आपने ऐसी झूठ बोल दिया कि नहीं टूट गई फूट गई, वो चीज़ गलत हो जाती है। मतलब ये थोड़ा सा ट्रस्ट के ऊपर चलती हैं ये डीलें। तो इस तरीके से मेरा ये प्रोसेस रहता है। ये जो वीडियो थी आज की, ये अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये एक बायर का जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा उसका पूरा विवरण है ये, और ये मेरा डीलिंग प्रोसेस भी था कि किस तरीके से मैं डीलिंग करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं फिर किसी दूसरे कस्टमर के साथ, और उसका जो डीलिंग एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।